नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया है तो वह उसे कैसे एक्टिवेट करवा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर सस्पेंड किया जाता है तो उसे फॉर्म GST REG 31 में ईमेल भेजा जाता है, जिसमें के इंटीमेशन होता है कि उसका जीएसटी का नंबर क्यों सस्पेंड किया गया है और ये जीएसटी का नंबर कैंसिल करने के लिए एक नोटिस भी होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है, GSTR 3B GSTR 1, उसे कंपेयर किया जाता है, या फिर जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है GSTR 3B में, उसे कंपेयर किया जाता है। और यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, जैसे कि GSTR 1 में ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है, GSTR 3B में कम टैक्स लाइबिलिटी पे जीएसटी पे किया गया है, तो उस केस में ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोटिस की जाती हैं और टैक्स पेयर को इन्फॉर्म की जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है कि इन डिस्क्रिपेंसी की वजह से जो रिवेन्यू है गवर्नमेंट की, उस पर इम्पैक्ट आया है, इसलिए व्यक्ति की जीएसटी के नंबर जो है वो कैंसिल करने के लिए ये इंटीमेशन दिया गया है। तो आपको दोस्तों इन डिस्क्रिपेंसी का रिप्लाई देना होता है जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर को। इसके लिए आपके पास 30 डे का टाइम होता है। दोस्तों, यदि आप 30 डे के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देंगे तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है तो उस केस में आपका जो सस्पेंशन है वो ख़त्म कर दिया जाता है और आपका जीएसटी नंबर फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि फॉर्म GST REG 31 की फंक्शनलिटी जीएसटी पोर्टल पर डिप्लाई नहीं की गई है, इसलिए CBIC के द्वारा कहा गया था कि GST REG 31 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ईमेल पे भेजा जाएगा। इसके अलावा जो नोटिस है या इंटीमेशन है वो GST REG 17 में टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। आप ये नोटिस व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाके देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके। दोस्तों, उसके बाद आपको इसका रिप्लाई करना है, इसके लिए आपके पास 30 डेज होंगे। तो जैसे ही आपको ये नोटिस और इंटीमेशन मिल जाता है तो आपको डिस्क्रिपेंसी को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको फॉर्म GST REG 18 में ऑनलाइन रिप्लाई फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, यदि जीएसटी नंबर इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो उस केस में आप अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो जीएसटी का सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, और यदि नहीं होता है तो उस केस में आप जीएसटी पोर्टल पर जो ऑप्शन दी गई है उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जीएसटी नंबर इसलिए सस्पेंड किया गया था कि आपने पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं की है, तो जब आप अपनी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर देंगे तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो उस केस में आप व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाके यहाँ पे इनिशिएट ड्रॉ प्रोसीडिंग के बटन पे प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर सस्पेंड किया जाना है उनको इंटीमेशन GST REG 31 में ईमेल के द्वारा भेजा जाता है, और ये इंटीमेशन भेजने के बाद जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं उनके डैशबोर्ड पे भी ये अवेलेबल होता है सुटेबल एक्शन के लिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको रिप्लाई करना होता है। तो यदि आपके रिप्लाई से जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है, यानी कि आपकी सस्पेंशन को, और इसके लिए GST REG 20 में ऑर्डर पास करता है जो कि आप जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है GST REG 19 में, सुमोटो कैंसिलेशन होती है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब तक इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी डिप्लाई नहीं हो जाती है जीएसटी पोर्टल पे, तब तक जो GST REG 31 है उसका इंटीमेशन भेजा जाएगा ईमेल के द्वारा, जिसका कि टैक्स पेयर को रिप्लाई करना है GST REG 18 में। और दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर पास किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा REG 20 में, यदि वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है। लेकिन फिर भी यदि उसे लगता है जीएसटी ऑफिसर के को और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर टैक्स जो वो रिकवर करना है, तो उस केस में वो दोबारा से GST REG 17 के द्वारा कैंसिलेशन के लिए जो है आपका प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं जीएसटी नंबर को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।